अस्सलामुअलैकुम। ये पोस्ट मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि आप होम स्कूलिंग मदर्स हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। देखें, स्कूल्स को हम घर पे नहीं ला सकते, होम स्कूलिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चों को तालीम तरबियत ना दें, उन्हें सिखाएं ना। एडिशन का बेसिकली जो है मकसद क्या होता है छोटे बच्चों की लाइफ के अंदर अभी इस वक्त क्या है, वो एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं उनको समझा रही हूँ अभी मुदब्बिर को, वही मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करती हूँ। जैसे कि मैंने मतलब मुदब्बिर को बताया कि उसको कोई चीज़ बाय करनी है जिसकी कीमत है 12 रुपये। ओके, अब उसके पास जो है ना एक नोट है 20 का, एक कॉइन है 5 का और एक नोट है 10 का। तो वो डिसाइड करना है कि उसने कौन कौन से पैसे उन्हें देने हैं। सपोज़ अगर वो 20 का नोट दे देता है तो उसके पास कितना चेंज आएगा, अगर वो 10 और 5 का देता है तो उसको कितना चेंज आएगा, तो क्यों वो अपना ये चेंज ग्रेटर रखता है, तो उसे देखना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने उसको समझाया कि जो आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ पे होता है, जो आपने उसको पेबल हो, उसके कोशिश करें नियरर अमाउंट दें ताकि आपका चेंज का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। इस चीज़ को उन्हें अपने लेके चलना है, देखना है उस चीज़ को। फिर इसी तरह से मैंने उसे दूसरी सिचुएशन दी, एक कॉइन दिया 2 का, एक कॉइन दिया 1 का, एक कॉइन दिया मैंने उसे 5 का। एम आई राइट? अब मैंने उसे बताया कि एक जो कैंडी है उसकी कीमत है 3 रुपी, तो आपने कौन कौन से कॉइन देने हैं, तो मतलब मैंने बताया 2 का और 1 का। एक कप केक है उसकी जो अमाउंट है वो 8 है, तो उस वक्त उसे डिसाइड करना है कि एक 5 का, एक 1 का, एक 2 का। प्लीज़ करेक्शन ऑफ द 5 नहीं देखिएगा, मतलब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहता है और मैं उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि राइटिंग के अंदर यहाँ देखें उसने बहुत कोशिश करी है सही करने की, उस पर तवज्जो नहीं देती, कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रही हूँ। एप्पल है, एप्पल की कीमत है 10, तो उसने यहाँ पर दी है 5 के 2। और ऐसे यहाँ पे बंच ऑफ बनाना है, तो इसके लिए उसको जो है ये 14 है, तो 14 के लिए वो क्या कौन कौन से कॉइन देगा, 5 5 2 एंड 2। वो 5 5 के 3 कॉइन्स भी दे सकता है, लेकिन ये उसे उस वक्त डिसाइड करना है कि उसके पास कितने कॉइन्स हैं और वो कौन कौन से दे सकता है। तो होप सो आपको एडिशन का मकसद बच्चों को समझाने के लिए समझ आया होगा। बाय बाय।